देखिए गाइस, जैसा कि आपने मेरे चैनल पर टूगोर से रिलेटेड लाइक न्यू कैटेगरी वाले आईफोन 6s स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग देखी होगी, जिसमें बाद में गाइस एक प्रॉब्लम देखने को मिली थी। उसका जैसे ही मैंने अनबॉक्सिंग करी, दिन भर स्मार्टफोन को यूज किया, कोई प्रॉब्लम वहां पे देखने को नहीं मिली। बट जैसे ही मैंने रात को लाइटनिंग कनेक्टर यूज किया, तो वहां पे वो लाइटनिंग कनेक्टर अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने उस स्मार्टफोन को रिप्लेस कर दिया। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि टूगोर रिप्लेस नहीं करता है, उसको पूरे से डिटेल में बात करूंगा। मेरे लिए वहां से रिफंड भी आ चुका है स्मार्टफोन का, मेरा स्मार्टफोन रिटर्न भी हो चुका है, और उसके बाद मैंने दूसरा आईफोन 6s बाय कर लिया है, उससे थोड़ा सस्ता देखने को मिला। तो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, और उसके साथ साथ मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा कि किस तरह से मैंने स्मार्टफोन को रिटर्न किया, क्या इसकी प्रोसेस थी, कैसे मुझे रिफंड मिला, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं ऋषि सेंगर, मेरे चैनल यूट्यूबर एक्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा ये स्मार्टफोन और क्या थी उसकी रिप्लेस्ड प्रोसेस। देखिए गाइस, ये आ जाता है हमारे पास आईफोन 6s का बॉक्स, जिसमें हमारे पास यहाँ पर 64 GB वाला वेरिएंट है, और यहाँ पर हमारे पास कलर है स्पेस ग्रे कलर, जो कि मेरे लिए 17,200 के अप्रॉक्स पड़ा, जो कि मैंने दोबारा से ऑर्डर करा। इसका जल्दी से इसके बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके साथ हमारे लिए क्या बॉक्स कॉन्टेंट देखने को मिलते हैं। फर्स्टली रखा मिल जाता है एक हैंडसेट। गाइस यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने ऑर्डर करा था स्पेस ग्रे कलर, बट आपके लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है गोल्ड कलर का वेरिएंट। गाइस ऐसा हो रहा है कि जो चीज आप बाय करते हो वहां पे वो वाली चीज नहीं मिल रही है। इसके बाद आगे चल के और देखते हैं कि और कुछ चेंज तो नहीं है इस स्मार्टफोन के साथ। तो गाइस नीचे की साइड रखा मिल जाता है एक सेक्शन, जिसमें रखा मिलेगा आपके लिए सिम इजेक्टर टूल, कुछ पेपर वर्क, और नीचे की साइड एक और यहाँ पर एक चेंज देखने को मिल रहा है। गाइस जो इंडियन अडेप्टर होता है वो आपके लिए यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपके लिए फॉरेन अडेप्टर देखने को मिल रहा है, जिसका सपोर्ट आपके लिए इंडियन बोर्ड में नहीं होता है। इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे यही समझ नहीं आ रहा है ये। इसके अलावा नीचे की साइड मिल जाते हैं आपके लिए एयरपॉड्स और एक लाइटनिंग केबल, जिससे आप डाटा को सिंक कर सकते हैं और स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। गाइस इसमें एसेसरीज से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिकॉज इसका अडेप्टर मैं किस तरह से यूज करूंगा। इसके अलावा स्मार्टफोन मैंने स्पेस ग्रे कलर का बाय करा था, यहाँ पे गोल्ड कलर का मिला। गाइस ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसका जल्दी से स्मार्टफोन को ऑन करके देखते हैं, बॉक्स कंटेंट में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये स्मार्टफोन को ऑन करते हैं। गाइस इसमें बैटरी नहीं है, इसको अभी हम चार्ज करके देखते हैं। इस वाले अडेप्टर का यहाँ पे तो मेरे पास पोर्ट नहीं है, तो मैं इसके लिए मेरा खुद का जो एप्पल का अडेप्टर है मैं उसको यहाँ पे यूज करता हूँ। इसको जल्दी चार्ज करके देखते हैं। तो देखिए गाइस इसकी चार्जिंग पिन तो ठीक है, मतलब कि स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है, जो कि पिछला स्मार्टफोन था उसकी चार्जिंग कनेक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बट इससे स्मार्टफोन का कनेक्टर अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए ये स्मार्टफोन चार्ज होने लगा, जल्दी से इसको सेटअप करते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे हम इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी सेटअप कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी सेटअप हो चुका है। अब गाइस जल्दी से चलते हैं हम सेटिंग में और बात करते हैं क्या है इसकी स्टोरेज और कैसा है ये स्मार्टफोन, क्या है इसकी बैटरी हेल्थ। तो गाइस देखिए अबाउट में चल के देखते हैं, तो ये 64 GB वाला वेरिएंट है। इसके साथ साथ गाइस इसकी चलते हैं बैटरी हेल्थ को चेक करने। तो बैटरी हेल्थ गाइस 83% लाइक न्यू कैटेगरी में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 100% बैटरी हेल्थ मिलनी चाहिए, बट यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये स्मार्टफोन बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये जो सेलर है इससे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से आप प्रोडक्ट को बाय ना करें, मतलब यहाँ से प्रोडक्ट को सबको एक साथ करके यहाँ पे बॉक्स में पैक करके बस भेज दिया। चार्जिंग अडेप्टर किसी चीज का, स्मार्टफोन अलग, आपके लिए स्मार्टफोन यूज्ड मिलता है 83% और बोला जा रहा है लाइक न्यू कैटेगरी, ये बिल्कुल अच्छी सर्विस नहीं है। बिकॉज जो इंसान अगर एक्सपेक्ट करता है किसी चीज की, यहाँ पर वो सेटिस्फेक्शन उसके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि 83% होती क्या है गाइस। अगर लाइक न्यू में आप अगर पैसा वेस्ट करते हैं तो उसमें इसीलिए करेंगे कि जिससे आपके लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस मिले, बट आपके लिए स्मार्टफोन की तो यहाँ पर 83% के करीब की बैटरी हेल्थ मिल रही है। इसके साथ साथ गाइस इसमें मैं आपके लिए बिल दिखा नहीं सकता हूँ, बट मैंने बिल पे चेक किया तो बिल पे वही मेंशन है स्पेस ग्रे कलर, और यहाँ पर मेरे लिए अंदर बॉक्स में मिला गोल्ड कलर। और इसके साथ जो इसका IMEI नंबर है उसको मैंने चेक करा तो वो सेम है, मतलब कि इसकी बॉडी को रिप्लेस किया गया है। स्पेस ग्रे कलर की बॉडी होगी, पहले जो स्मार्टफोन होगा वो स्पेस ग्रे कलर का होगा, उसमें यहाँ पे इसने गोल्ड कलर में दे दिया इस सेलर ने, जिसने भी ये फ्रॉड है बहुत बड़ा कि आपने स्पेस ग्रे कलर की बॉडी को चेंज करके गोल्ड कर दिया, पूरी बॉडी चेंज है। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर बैटरी हेल्थ भी ऐसी मिलती है जिससे स्मार्टफोन यूज्ड हो, मतलब कि ना इसका आपका लिए
बैटरी बैकअप मिलेगा, ना आपके लिए इसका अडेप्टर सही मिल रहा है, ना आपके लिए इसमें वो स्मार्टफोन मिल रहा है जो आपने बाय किया, ना आपके लिए 100% बैटरी हेल्थ मिल रही। तो इसके लिए मैं डिसलाइक करूंगा, क्योंकि लाइक्न्यू कैटेगरी में अगर हम पैसे वेस्ट करते हैं तो इसलिए करते हैं कि जिससे हमारे लिए 100% सेटिस्फेक्शन मिले। जैसा कि आपने इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करी, आज इस वीडियो के बाद मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि टू गुड से आप स्मार्टफोन बाय करें, बिकॉज गाइस इसमें बहुत ही ज्यादा गलत प्रोडक्ट देखने को मिले। जिस तरह से मैंने स्मार्टफोन बाय करा था स्पेस ग्रे कलर का, यहां पर मेरे लिए वो देखने को मिला गोल्ड कलर का। उसके साथ साथ मैंने लाइक्न्यू कैटेगरी का बाय किया था, तो वहां पर मेरे लिए बैटरी हेल्थ मिलनी चाहिए थी 100%, बट यहां पर देखने को मिल रही है हमारे पास 83%। गाइस ये बहुत बड़ा डिसलाइक है। इसके साथ साथ यहां पर जो आपके लिए ये अडेप्टर है, तो इतना गाइस ये सोचिए कि इस अडेप्टर का हम कहां यूज करेंगे। हमारे जो इंडियन चार्जिंग प्लग है वहां पर इसको अटैच करने के लिए कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो ये फॉरेन अडेप्टर का हम यहां पर क्या करेंगे। इस तरह के प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं चाहिए गाइस, इसलिए मैं टू गुड के लिए आज के बाद रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी तक मेरे लिए कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, बट गाइस ये पहले प्रॉब्लम आई, इसके आगे हम और भी कोशिश करेंगे आगे अदर वीडियोस में, बट आगे और प्रोडक्ट मंगाएंगे, देखेंगे कि कब तक टू गुड से आपके लिए कैसा प्रोडक्ट मिलता है। हमारे पास उस स्मार्टफोन की चार्जिंग कनेक्टर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, पहले मैंने उसको रिटर्न करा, तो रिटर्न रिक्वेस्ट वहां पे जैसे ही मैंने करी तो नाइट में मेरे पास एक टेक्नीशियन विजिट किया, जिसने उस प्रॉब्लम को देखा और उसने उस चीज को जेन्युइन पाया। फिर उसके बाद उसने रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, और उसके बाद वो स्मार्टफोन रिटर्न के लिए एक विश मास्टर आया और उस स्मार्टफोन को लेकर गया। वहां से मेरे पेमेंट को इशू करवा दिया गया और मेरे क्रेडिट कार्ड में 20th of September को मेरे पास आ चुका था रिटर्न पेमेंट। तो गाइस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकें, रिप्लेस करा सकें तो रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, फ्रॉड नहीं है। आपके लिए एप्पल का प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है तो वही मिल रहा है, फ्रॉड वो होता है कि आप एप्पल बाय करो और मिले कुछ और, तो यहां पर उस तरह का फ्रॉड नहीं है, बट यहां पर जिस तरह के लिखी है वो सर्विस टू गुड नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए मैं डिसलाइक करता हूं गाइस। उसके बाद अगर यहां पे कोई प्रोडक्ट गलत आता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं टू गुड से, और वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। यहां पे ना मेरे को कोई प्रॉब्लम पेमेंट में देखने को मिली और ना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम यहां पर रिटर्न में देखने को मिली। बट इसके बाद भी मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी भी चीज को पेमेंट करते हैं, किसी भी चीज का पैसा देते हैं, तो उसके बाद आपके लिए वहां पर अगर उस चीज की वैल्यू फॉर मनी ना देखने को मिले तो आपके लिए वहां पर नहीं जाना चाहिए। थोड़े दिन रुक जाइए गाइस, मैं कोशिश करूंगा कि सेलबडी की एक डिटेल्ड अनबॉक्सिंग लाऊं, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि टू गुड से आपके लिए बेस्ट देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। गाइस टू गुड में अभी इंप्रूवमेंट आ सकता है, आगे हम कोशिश करेंगे, जब आएगा तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते रहेंगे, किस तरह का इंप्रूवमेंट मिलता है, कुछ स्मार्टफोन बेस्ट भी मिले और कुछ स्मार्टफोन में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी मिली। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को कल ने सब्सक्राइब, जिससे आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में चैनल पे देखने को मिलती रहे। बेल आइकन को हिट कर दें जिससे आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं अपन किसी नई वीडियो में।